हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल झटपट फूड रेसिपी में। मैं हूं मौसमी। मैं आज फिर होली स्पेशल एक कुछ नए डिश के साथ आपके सामने आई हूं। तो चलिए आज झटपट हम बनाते हैं कुछ पकौड़े के वैरायटी। तो आइए हम देखते हैं पकौड़े बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है। मसाले में हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, थोड़े से हमने लहसुन की दो कली लिया हुआ है, इसमें हमने थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़े से चाट मसाला, थोड़े थोड़े से एक एक पिंच, और एक टेबलस्पून हमने सूजी लिया हुआ है, रेगुलर सूजी है मार्केट की, और थोड़े से हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, थोड़े से हमने कलौंजी लिया हुआ है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज अनियन को हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, 4 ग्रीन चिली हमने कट करके रखा हुआ है, थोड़े से हमने बेसन लिया हुआ है, हमने पालक के लीव्स वॉश करके क्लीन करके रखा हुआ है, और थोड़े से हमने हरी प्याज कट करके रखा हुआ है, और सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। पहले हम पालक के पकौड़े बनाने के लिए पालक के डिप करके बनाएंगे हम, तो इसके लिए हम बैटर थोड़ा थिक बनाएंगे, तो हम पहले वो बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। 3/4 स्पून हम बेसन के ऐड करेंगे, थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से मिर्च पाउडर, थोड़े से ये जो हमने मिक्स करके रखा है चाट मसाला, और इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, थोड़े से हम हरी प्याज के लिए मिक्स करेंगे, और थोड़े से ग्रीन चिली कट किया के रखा है मैंने ये, और थोड़ा सा हमने जो ये रवा सूजी रखा है, और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बैटर स्लरी जो हमारी बनेगी ये थोड़ी थिक बनेगी। ये रेडी है स्लरी हमारी, कंसिस्टेंसी ये होगी स्लरी की। फ्राई करने के लिए तेल ऐड कर देते हैं इसमें। पालक के पकौड़े बहुत तरह के बनते हैं, आज हम पालक को कट नहीं करेंगे, जितने हमारे पालक के लिप्स हैं उसको फुल डिप करके हम थोड़े से डंटी को और छोटे कर लेंगे, और इसको डिप करके हम फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी भी ऐड कर देंगे, एक चुटकी, 1 पिंच। तेल गर्म हो गया है, हम धीरे धीरे पालक को इस तरह से आराम से ऐसे करते हुए, और 2-3 अनियन इसके ऊपर ऐसे करते हुए बैटर इसके साथ, हर पालक के लीव्स के ऊपर हम 2-3 अनियन के कटे हुए पीसेस भी उसमें रख देंगे, तो अच्छे से चिपक जाए। इसे खाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। और हम दूसरा बैच जो है हमारा वो ऐड कर देंगे। जब तक ये लास्ट बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम जो हम प्याज हरी प्याज के पकौड़े बनाएंगे उसके बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने हरी प्याज काट के रखा है, ये भी हम ऐड कर देंगे सारा ही, और जो हमने अनियन रखा है ये भी हम सारा ही ऐड कर देंगे, उसमें जो हमने हरी मिर्च रखा है ये भी हम ऐड कर देंगे, और जो हमने सूजी रखा है ये पूरा भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने 2 लहसुन की कलियाँ रखे हैं वो हम ग्रेट करके ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देंगे। इसमें दो हमने लहसुन की कली रखा था, सॉल्ट ऐड करेंगे, चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर रखा था ये भी ऐड कर देंगे, जो हमने हल्दी पाउडर रखा था ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें, ये लाल मिर्च पाउडर रखा था ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें, मॉइस्चर था, और हमारे प्याज में भी मॉइस्चर था, और हमने थोड़ा सा कलौंजी भी ऐड करेंगे इसमें, और हम बेसन हमने पूरा ही यूज कर लिया है, तेल गर्म हो गया है, तेल में इस तरह से गिरा देंगे इसको। 3 गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे अच्छे से तेल से अलग करते हुए, केयरफुली हमें ठीक टाइम पे इसको ऑयल से बाहर निकाल देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट बैच है हम वो भी दे देते हैं। ये पकौड़े हमारे बन गए हैं,
रेडी हो गया। हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। हमारे पकौड़े गरम गरम रेडी हो गए हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हमारे सामने आ जाए, तो आप झटपट अपने किचन में जाएं और इस रेसिपी को फॉलो करके हमारे ऐसे ही पकौड़े बनाएं इस होली। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आपको पकौड़े पसंद आए, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।